देखिएगा आपके पास जो फ्रंट चैप्टर है कहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके अंदर आपके पास तीन चीज है, लीनियर क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, वेरिएबल्स क्या होगी। तो वेरिएबल है, वेरिएबल कहाँ से बना है भाई, वैल्यू से। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, चेंज, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। एक चीज और होती है आपके पास कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। अब जो वेरिएबल है उसको हम नोटेशन देते हैं एक्स वाई जेड, इनसे। जो कॉन्स्टेंट है वो कॉन्स्टेंट आपके पास 2, 5, a, b, lambda, m, इनसे हम इसका नोटेशन देते हैं। अब ये कॉन्स्टेंट भी आपके पास दो टाइप के हो गए, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है। ये आपके पास होता है फिक्स कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट के लिए होता है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ये आगे हाई क्लास सिस्टम में आपको पता चल जाएगा, ये भी कॉन्स्टेंट है और ये भी कॉन्स्टेंट है। इसके अंदर आपके पास एक ही जो वैल्यू आएगी वो आएगी फिक्स कॉन्स्टेंट ही, लेकिन यहाँ पर आपके पास फाइव, जैसे आपके पास ले लिया 5x प्लस है ए, तो यहाँ पर आपके पास x तो क्या है, वेरिएबल है, 5 और a क्या है, कॉन्स्टेंट। जहां पर आपके पास 5 तो हो गया फिक्स कॉन्स्टेंट और a क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो इस कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो भी आपके पास फिक्स ही आएगी। तो आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए भाई, वो हाईएस्ट पावर अगर 1 हो जाती है तो उसको हम तो क्या बोलते हैं, लीनियर। अब आपके पास इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए आपने पढ़ा होगा पॉलीनोमियल। तो एनी पॉलीनोमियल इक्वल्स टू 0 या एनी कॉन्स्टेंट, 0 को हो या कोई भी अदर कॉन्स्टेंट कहीं, ठीक है, या 0 ही बोल देते हैं, कोई भी पॉलीनोमियल को अगर 0 के इक्वल रख देते हैं तो वह आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। दो वेरिएबल हमने मान लिया x और y, आपके पास दो वेरिएबल हैं, और ये दो वेरिएबल हैं उसके अंदर हमें लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि आपके पास लिख दिया a1x + b1y + c1 0, तो यहां पर आपके पास देखते हैं तो a1 b1 c1, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ आपके पास है, मैंने लिख दी a1x + b1y + c1 0, तो यहाँ पर देखिएगा जो a1 b1 c1 ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। x और y आपके पास क्या है, वेरिएबल है। देखो इक्वल टू का निशान आ गया, इक्वल टू का साइन आते ही आपके पास क्या बन जाएगी, वो इक्वेशन हो गई। एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल हो गए, इक्वेशन हो गई। लीनियर का मतलब है इन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, इन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितने होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। और ये दोनों के दोनों, दूसरी कंडीशन और एक इंपॉर्टेंट है, a1 एंड b1 बोथ आर नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो a1 b1 c1 कांस्टेंट है ना, जहां पर a1 तो आपके पास क्या है, x वेरिएबल का कोफिशिएंट, ये क्या है आपके पास है, कोफिशिएंट ऑफ ए फर्स्ट वेरिएबल। ये b1 आपके पास क्या है, ये भी आपके पास कोफिशिएंट है, ठीक है, ये कोफिशिएंट नहीं है लेकिन है तीनों के तीनों ही कांस्टेंट। तो यहां पर ये कांस्टेंट
जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये दोनों जीरो हो सकते हैं, ये दोनों जीरो हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ए वन और बी वन बोथ आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कॉन्स्टेंट है, मान लीजिएगा मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2x - 5y + 8 = 0। अगर यहाँ पर आपके पास जीरो होता, यहाँ पर जीरो हो जाता, दोनों जीरो हो जाते, तो आपके पास क्या बन जाता? ये आ जाता 8 = 0, विच इज नॉट ए पॉसिबल, जो कि पॉसिबल है नहीं होगा। इसलिए आपके पास ए वन एंड बी वन दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते। इसके बाद देखिएगा, अब जो लीनियर इक्वेशन है, मैं दो लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन लिख दी मैंने ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये आपके पास है दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। कितने वेरिएबल में हैं? दो वेरिएबल में। ये इक्वेशन आपके पास x और y वेरिएबल में है, ये इक्वेशन भी आपके पास x और y वेरिएबल में। तो दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल्स के अंदर है, और दोनों के दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर वन है, तो दोनों की दोनों इक्वेशंस हो गई लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के अंदर हमने दो इक्वेशन दे दी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करेंगे, सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व करने के तरीके हैं आपके पास, ठीक है। तो इनको हम किन किन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहला मेथड हम इनको यूज करेंगे बाई ग्राफिकली, पहला सॉल्यूशन, और दूसरे टाइप का सॉल्यूशन होगा बाई एल्जेब्रिकली। दो टाइप से इनका सॉल्यूशन हम करेंगे, एक तो ग्राफ से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और एक है एल्जेब्रा से इन इक्वेशंस को दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो ग्राफ से अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे आपको पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ 2x + 3y = 6। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ क्या आएगा? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या आएगा? इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या आएगी? एक लाइन आएगी। लाइन से ही क्या बना है? लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाएंगे वो आपके पास एक लाइन बनेगी। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे एक लाइन, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे दो लाइन। तो दो अगर लाइंस आपके पास हैं, तो वो दो लाइंस तीन टाइप का उनका नेचर होगा, थ्री टाइप से वो बिहेव करेगी, थ्री टाइप्स की कंडीशंस पड़ेंगी। पहले क्या करते हैं, वो दोनों की दोनों लाइंस क्या हो सकती है? इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, वो दोनों की दोनों लाइन से पैरेलल हो सकती है, या एक लाइन के ऊपर है दूसरी लाइनें आ सकती है। तो थ्री टाइप्स हो गया आपके पास है। इन दो लीनियर इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ से सॉल्व करते हैं या एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, तो तीन टाइप के उनके सॉल्यूशन आएंगे। तो या तो लाइंस आपके पास इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन को ले जाएंगी, या ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, या ये लाइनें कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे उस चीज को देखते हैं। तो हमने इक्वेशन ली 2x + 3y = 6, इसका ग्राफ बताया है एक लाइन आएगी। लाइन खींचने के लिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले ली, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जहाँ पर ये दोनों काट से उसको हमें ओरिजन बोलते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम रख दिया आपने ओ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो लाइन खींचने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है? अगर कहीं पर भी आपके पास कोई भी दो पॉइंट मिल जाएं, अगर उन दोनों पॉइंटों को हम मिला लें, तो आपके पास क्या बन जाएगा? लाइन। तो लाइन खींचने के लिए आपके पास क्या चाहिए? दो पॉइंट चाहिए।
अब उन दो पॉइंटों को कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से हम दो पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, चलते हैं, अगर एक्स की वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व करके देखो भाई। एक्स की वैल्यू इसके अंदर है जीरो, पुट करो। जब x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 2। एक बार y 0 रख लो, अगर y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, ऐसे पॉइंट नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों x की वैल्यू है, हमने एक x की वैल्यू लेनी है और एक y की। तो पॉइंट आ जाएगा 0 2। तो x की वैल्यू आपके पास 0 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 3 और 0। यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 3 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ये दो पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंटों को आपने स्केल से मिला देना है, ये लाइन आपके पास खिंच जाएगी। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, ये लाइन की इक्वेशन थी 2x + 3y = 6। अब आपके पास एक इक्वेशन और मिलेगी, उससे एक लाइन और खींचेंगे हम, जो दो लाइन बन जाएंगी वो इन तीनों में से कोई ना कोई एक है टाइप जरूर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो तो बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया, पूछना है किसी ने कुछ, हाँ भाई बताओ। चलो देखते हैं।